हेलो वेलकम बैक, कैसे हो सभी कोडर्स। लारावल ट्यूटोरियल के ऊपर हमने दो वीडियो अभी ऑलरेडी बना लिए, जिसमें पहली वीडियो में हमने लारागन इंस्टॉल किया था, गिट एससीएम इंस्टॉल किया था और दूसरी वीडियो में हमने इंस्टॉल किया था कंपोजर। तो ये दोनों अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे प्लेलिस्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब जो ये वाली वीडियो है इसमें हम एडिटर के बात करेंगे कि कौन सा एडिटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दो से तीन एडिटर सजेस्ट करूंगा और जो मैं खुद यूज़ करूंगा उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करते हैं। सबसे पहला मेरा ऑप्शन रहेगा PHP Storm और ये PHP के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया एडिटर है। अगर आप कोई ऐसे फ्रेमवर्क में काम करना चाहते हैं जो PHP बेस्ड हो तो आप PHP Storm का यूज़ कीजिए, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है ये और एक आपको अच्छा वर्क फ्लो देने में काफ़ी मदद करता है। दूसरे एडिटर की बात करें तो ये है VS Code और आजकल VS Code बहुत ही बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस दे रहा है और इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। VS Code के ऊपर ही मैंने कोडिंग मतलब मैं जब रेगुलर कोडिंग करना शुरू किया था तो मैंने VS Code के ऊपर ही किया था और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा जो कोडिंग कोडर के लिए एक बहुत ही अच्छा एडिटर है और प्लस इसमें आप किसी भी लैंग्वेज में काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पर इसके कई एक्सटेंशंस भी अवेलेबल हैं जो कि आपको इस तरह की चीज़ों में मदद करते हैं, जैसे आपकी ऑटो कंप्लीट करना हो कोई फंक्शन को जो पहले ही उस लैंग्वेज में बिल्ट इन मेथड्स हैं वो उनके बारे में आपको जानना हो तो यहाँ पर आप कोई भी अक्सर लिखें तो उसका ऑटोमेटिक आपको ऑटो कंप्लीट करके ये दे देता है। और प्लस ये फीचर लगभग सभी में होता है, थोड़ा सा दूसरा जो नेक्स्ट में आपको एडिटर बताऊंगा उसमें ये चीज़ नहीं है। और जो नेक्स्ट हमारा एडिटर है और एज यूजली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सबलाइम एडिटर, मैं लिख देता हूँ इसको। तो ये सबलाइम एडिटर है और जो स्टार्टिंग करते हैं लगभग उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और ये फ्री सॉफ्टवेयर है, VS Code भी फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था PHP Storm ये पेड सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो जैसे PHP Storm करके यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 30 डेज के लिए फ्री आपको ये एडिटर प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आप 30 डे के लिए आराम से बिना किसी लाइसेंस के भी इसको यूज कर सकते हैं। और VS Code बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ कि मैं PHP Storm क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका सबसे बड़ा कारण है जैसे कि कैमरा और फ़ोन के जो कैमरा है उनका कंपैरिजन, सेम वही चीज़ें यहाँ पे है। जब हम कोई एक स्पेशल PHP का कोई अगर कोई एडिटर बना हुआ है PHP के लिए और उसी के फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि उसका जो मेन जिसके चीज़ के लिए वो बनाया गया है उसी का एडिटर आप यूज़ करें, इसीलिए मैं PHP Storm का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सबलाइम में भी यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं वैसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। 64-bit के लिए यहाँ पर 64-bit पर क्लिक कर सकते हैं आप अगर आपको सबलाइम डाउनलोड करना है, और बाकी के भी यहाँ दिखाए गए हैं OS X और लिनक्स के लिए भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। VS Code के भी सेम ऐसे ही आपको दिखाया गया, Windows 7, 8 और 10 के लिए और Debian और ये सारी चीज़ें जो भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर मेनली जो इंडिया में तो सारे लगभग विंडो यूज़ करते हैं, कोई हार्डली 2-3% है जो मैक का यूज़ करते होंगे तो यहाँ पर, और मेरे ख्याल से 1% से भी कम है जो Ubuntu का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर विंडो के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपना 64-bit, अगर आपका जो सिस्टम 64-bit का है तो आप 64-bit यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो 32-bit भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे PHP Storm में भी ये चीज़ें हैं कि अगर आप विंडो के लिए यूज़ करना चाहें तो विंडो को मिलेगा आपको, मैक के लिए यूज़ करना चाहें तो मैक का, और लिनक्स के लिए यूज़ करना चाहें तो लिनक्स का, और यहाँ पर अगर Ubuntu का यूज़ करना चाहते हैं और आपको कमांड लाइन का पता है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे एडिटर थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया और यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। PHP Storm ही हम आगे यूज़ करेंगे और हमारा जो फर्स्ट लारावल सेटअप है वो नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे जो कि पार्ट नंबर 4 रहेगी। ये पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमने एडिटर के बारे में जाना और एडिटर को इंस्टॉल करने के बाद में आपको कुछ ऐसा ये एडिटर दिखेगा। मैं यहाँ पर PHP Storm को ओपन कर लेता हूँ
ओ जा भाई ओपन, क्यों बेइज्जती करवावा है। ये तो कौन मानना भाई आज। चलो जब तक ये शुरू होता है मैं एक बार इसको स्टॉप कर लेता हूँ वीडियो को। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं, तो यहाँ पे एक बार के लिए स्टॉप कर लेता हूँ जब तक ये ओपन हो जाए। तो यहाँ पे हमारा एडिटर ओपन हो गया है और यहाँ पर आप इसके सेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मेन फाइल रहेगी वो यहाँ पे रहेगी, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यहाँ पे रहेंगी और बाकी के कंसोल वगैरह की सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। और यहाँ पे नीचे हमारे पास टर्मिनल है और टर्मिनल का भी हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हम इसको कर रहे हैं। साथ में हम लारावल की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि क्या क्या लारावल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से काम करता है। और बाकी यहाँ पर और कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। मेन जैसे जैसे दूसरे एडिटर हैं वैसे ही ये सारी चीज़ें काम करेगा और सेम उसी के तरीके। बाकी जो मेरी पुरानी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उनमें मैंने PHP स्टॉर्म का यूज़ किया है और मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगता है। PHP स्टॉर्म अगर PHP के लिए मैं यूज़ करना चाहूँ, पाइथन वगैरह के लिए मैं इसी जेट ब्रेंड्स के पाइचाम का यूज़ करता हूँ जो कि बहुत ही औसम एडिटर है। और बाकी तो मेरा PHP पे रहता है लगभग काम। तो PHP स्टॉर्म सबसे बेस्ट है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंड करना चाहें लाइसेंस को एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट बेस पे ये फ्री मिलता है 1 साल के लिए और इसकी सारी जो आप जो चीज़ें हैं लाइसेंस पाने के लिए वो उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर दूसरे कोई एडिटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री टू यूज़ आप जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस रहेगी, जो भी मैं कोड लिखूंगा वो आप अपने एडिटर में भी लिख सकते हैं। और बाकी कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ बताने के लिए एडिटर के बारे में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा इसके ऑप्शंस के बारे में बताएंगे कैसे ये काम करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।